रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ जहां यूक्रेन के पास हथियारों का भारी संकट है और उसके सैनिक रूसी हमलों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वहीं रूस अपने हथियारों को और अधिक स्मार्ट और अपग्रेड करता जा रहा है और इन्हीं अपग्रेडेड और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल कर वो यूक्रेन को लगातार हार की तरफ धकेलता जा रहा है। साल 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय तो यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मदद के तौर पर सैन्य हथियार मिले, लेकिन युद्ध लंबा खींचने से उसके हथियार खत्म होने के कगार पर हैं। यूक्रेन के पास जो बचे कुचे पावरफुल हथियार और टैंक हैं, रूस उन्हें भी टारगेट करके नष्ट करता जा रहा है। अब रूस की हवाई सेना ने बीते कुछ हफ्तों में यूक्रेन पर सबसे भारी और पारंपरिक गोलाबारी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इनमें से हवा से गिराया जाने वाला एक घातक हथियार ODAB 500 वैक्यूम बम है। रूस ने इस हफ्ते सुखोई SU-34 स्ट्राइक जेट के जरिए यूक्रेन के कई ठिकानों पर ODAB 500 बम गिराए। हवा से गिराए जाने वाले ये वैक्यूम या थर्मोबेरिक बम दो स्टेज प्रिंसिपल पर काम करते हैं, या कहें कि दो स्टेज में इनमें विस्फोट होता है। पहले इन्हें जिस टारगेट पर गिराया जाता है तो इनमें से पहले एक विस्फोटक तरल बाहर निकलता है जो एक मोटा एरोसोल बादल बनाता है। इसके बाद एक एक फ्यूज एक निर्धारित समय और ऊंचाई पर इसमें आग लगाता है। आग लगने के बाद एरोसोल मिश्रण आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन लेकर विस्फोट को और बढ़ा देता है। ODAB 500 की खासियत, ODAB 500 PMV का व्यास 0.5 मीटर है। एक SU-34 जेट 4 ODAB 500 बम ले जा सकता है। ये वैक्यूम बम लगभग 190 किलोग्राम हाई एनर्जी फ्यूल से लैस है। इसमें लगभग 100% तरल विस्फोटक मिश्रण होता है जिससे ये ज्यादा समय तक टिकने वाली विस्फोटक तरंगे उत्पन्न करता है। ये TNT विस्फोटक से ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसे बारूदी सुरंगों को तेजी से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ODAB 500 बमों के अलग अलग वेरिएंट का वजन 520 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम तक होता है। इस तरह के बम के बारे में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीने में सोचा गया था, लेकिन कभी भी इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल नहीं किया गया। 1950 के दशक में अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक द्वारा वापस किए जाने से पहले वैक्यूम बम सिद्धांत को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। ODAB 500 का उपयोग पहली बार 1980 के दशक के अंत में अफगानिस्तान में CIA समर्थित मुजाहिदीन लड़ाकों के खिलाफ किया गया था। हालांकि इसके मूल मॉडल की तकनीकी सीमाओं के कारण इसे बहुत उपयोगी नहीं माना गया।